कैपिटलाइजेशन को हम टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन हम आज के वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। ओवर कैपिटलाइजेशन अकर्स व्हेन द फंड्स ऑफ अ लॉन्ग टर्म नेचर। ओवर कैपिटलाइजेशन कब अकर होता है? जब हमारे फंड लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं, जैसे कि शेयर कैपिटल, डिवेंचर एंड लोन्स एक्सीड द अमाउंट ऑफ ऑप्टिममली यूटिलाइज, एक्सीड करते जब। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तो जो सप्लाई ऑफ एबिलिटी पॉलिसीज एक्सीड हो गई हमारे कंज्यूमर डिमांड के अकॉर्डिंगली, इस सिचुएशन के अंदर क्रिएट होती है एक सॉफ्ट मार्केट कोज इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसको हम बोलते हैं टू डिक्लाइन अंटिल द मार्केट स्टेबलाइज एंड पॉलिसी परचेज व्हेन प्रीमियम्स आर लो। जो पॉलिसीज है वो परचेज की जाएंगे जब हमारा प्रीमियम होगा वो लो होगा, कैन रिड्यूस इंश्योरेंस कंपनी एंड ये रिड्यूस। हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफ द हैवी एक्सपेंसेस आर इनकर्ड एट द प्रमोटिंग स्टेज इट मे लीड्स टू बी द ओवर कैपिटलाइजेशन। अगर आपकी हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इनकर्ड हो रहे हैं प्रमोट करने के लिए स्टेज को, तो उस टाइम पे भी आपकी ओवर कैपिटलाइजेशन हो सकती है। एंडवोकेट्स प्रोविजन ऑफ द डेप्रिशिएशन, बिकॉज ऑफ एंडवोकेट प्रोविजन ऑफ डेप्रिशिएशन रिप्लेसमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ एसेट्स में लीड्स टू ओवर कैपिटलाइजेशन। जब हमें रिप्लेस
क्या हुआ कि आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कम किया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कम किया, बट आपके पास पैसा तो बहुत ज़्यादा है ना, तो वो जो पैसा बच जाएगा उसको हम ओवर कैपिटलाइजेशन बोलते हैं, कि आपके पास पैसा ओवर है और आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया टैक्स सेव करने के लिए। एब्सेंस ऑफ एडोकेट रिजर्व्स, मैनी टाइम्स एंटर प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड डू नॉट मेक्स एडोकेट प्रोविजन फॉर रिजर्व्स। कुछ एक ऐसी